मजाज नगर पुलिस थाने अंतर्गत फिरियादी निखिल वासी से 12 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 30% का मुनाफा देने की बात कहकर एबीडी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच में जुट गई है। बजाज नगर पुलिस थाना हद में 12 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। फिरियादी निखिल वासी इनके साथ ईबीडी फाइनेंस कंपनी द्वारा 12 लाख की ठगी की गई है। पूरा मामला ऐसा है कि 12 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 30% मुनाफा देने का लालच देकर निखिल वासी को ठगा गया। इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिनके नाम सुनील कड़ियाला, पूजा कठियाला, संतोष कठियाला, स्वाति लक्ष्मी, मुकेश गौतम, शेखर और आरती राय खामला निवासी है। इन आरोपियों पर इससे पहले भी ईडीबी फाइनेंशियल कंपनी के नाम पर कई लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। तक्रारदार निखिल वासे यानी पोलीस स्टेशन बजाज नगर इथे येऊन तक्रार दिली की ईबीआयडीडी फाइनेंशियल कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड अशा नावाखाली सुनील कड़ियाल, त्यांची पत्नी पूजा कड़ियाल आणि भाऊ संतोष कड़ियाल ह्या लोकांनी 30% व्याजदराने रिटर्न्स देतो, गुंतवणूक केल्यास फायद्यात राहाल असं 30% व्याजदराचं आमिष देऊन त्यांच्याकडनं गुंतवणूक करून घेतली। प्रथमत गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणुकीवर व्याजदर मिळालेला आहे आणि रक्कम वाढलेली आहे असं त्यांना भासवून त्यांच्याकडनं अधिकची गुंतवणूक करवून घेतली। ज्या गुंतवणूक करता त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांकडनं किंवा काही फिक्स म्हणून किंवा बँकेतनं पैसे घेऊन त्यांनी ते गुंतवणूक केली होती आणि जेव्हा फिर्यादी यांनी केलेली गुंतवणूक मिळालेल्या व्याजासह वापस करण्याकरता त्यांना वारंवार म्हणण्यास सुरुवात केली तेव्हा कडियाल यांनी त्यांच्या ऑफिसचा गाशा गुंडाळून आणि पलायन केलेलं आहे। एकूण 12 लाख रुपयांची फसवणूक फिर्यादी यांची केलेली आहे, आमिष 30% व्याजदराचा आमिष दाखवून अशा स्वरूपाची तक्रार आम्हाला प्राप्त आहे। पुलिस द्वारा आरोपियों की खोज शुरू है। पुलिस ने अपील की है कि ईडीबी कंपनी द्वारा किसी के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई होगी तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराए ताकि ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में ले सके। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।